रैंक, उनके चक्कर में आप क्यों पड़ रहे हो? मतलब एक अच्छी पोस्ट पे, रेपुटेशन जगह पे, आज ये हमारे वालोदरा के मालिक है, प्रथम नागरिक है, और ये उनको इस तरह की बात करते हैं, भड़काने का काम करते हैं। ब्राह्मण समाज आया तो मैं उन्हीं के समाज का बेटा हूँ ना, तो मेरे साथ नहीं आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो मेरे लिए आया तो क्या गलत कर दिया उन्होंने? कोई गुनाह तो नहीं किया? देखो, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी को डाइवर्ट करना या किसी को रोकना गलत है, टोटली गलत। हाँ, उन्होंने बोला ये चीज बकायदा कि आप उनके लिए क्यों आए, उनको तो मैंने बोल दिया, और बोल दिया होता तो हमें कोई शौक थोड़ी आता यहाँ बैठने का, रात को भी हम आए, हमारे पास तो प्रशासन आया नहीं, हम वहाँ आए वार्ता के लिए, आपने बुलाया, बिल्कुल इज्जत के साथ बुलाया और इज्जत के साथ आए, और उसके बाद ये बातें होती है। अगर रात को हमारी बात मान लेते, परसों वाली बात हुई, उस बात पे अगर सहमति हो जाती तो हमें भूखे मरने का शौक थोड़ी है, किसी को हम चाहते थोड़ी है कि आपको तो ट्रैक्टर की बात है, ट्रैक्टर की बात हो जाती तो बात बन जाती, क्यों नहीं परसों पुन गए? प्रशासन तो बिल्कुल यही चाहता है, प्रशासन तो यही चाहता है कि भूखे मरते मरते मर जाए। अब इतने दिन हमारे दोनों ये था कि भी प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, हो सकता है शॉर्ट कॉर्नर निकालने का काम कर रहा है, लेकिन अब दो तीन जो अभी वार्ता हुई है, इन वार्ताओं से यही लग रहा है कि प्रशासन 100% ठेकेदार के हाथों में गया। ये हकीकत बार बजा नहीं, आप कल साहब बोल रहे थे, कल एडीएम साहब बैठे, एडीएम साहब आप सबके बड़े, आप भी नहीं बोले उस दिन, मैंने आपको बोला, आप खुद भी इसमें नहीं बोले कि नहीं मेरे बॉस बैठे हैं। और जब सीआई साहब को इतनी कहा दिखाने की, मैं कोई अपराधी तो हूं नहीं जो मैं उनसे डरूं, मैं भारत का आम नागरिक हूं और मुझे मेरी बात रखने का, मैं जनहित के लिए और सही मुद्दों पे लड़ रहा हूं, मैं कोई रॉन्ग नहीं लड़ रहा हूं, तो उसमें वो मुझे बोलते हैं तू बैठ जा, देखो हम आपको आप कह के बात करते हैं, हम आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, तू भाग जा, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हम बैठे ही वार्ता के लिए तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो क्या आपसे डर थोड़ी रहा हूं? मैंने कोई दो नंबर का धंधा किया नहीं, उल्टा काम किया नहीं, व्यवस्थित रूप से बैठा और व्यवस्थित रूप से, और सीआई की इतनी हिम्मत हो गई कि वो एडीएम बैठे, डिप्टी मैडम बैठे, उसके साथ बोल रहे।